ओम शांति, आप सबका स्वागत है। आई होप आप सेकेंड डोज के लिए तैयार हैं। ज़्यादा ओवरडोज करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सेकेंड डोज हल्की है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते क्या है आज के वरदान में? परमात्मा चाहते हैं कि हम कम खर्चा करें और प्रॉफिट ज़्यादा करें। एक बिजनेसमैन से अगर आप बोलें कि कम खर्चे में आपका बिजनेस का प्रॉफिट डबल होगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। एक माँ को बोलें कि आप कम खर्चे की सब्जी खरीद करके घर का चला सकते हैं, या अनाज आपको इस जगह से लें, वहाँ पे सस्ता मिलता है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, राइट? क्योंकि वो घर का मैनेजमेंट करती हैं। तो इसी तरीके से परमात्मा आज कुछ और चीज़ का मैनेजमेंट बात करा रहे हैं। कम खर्च वाला नशीन, लेकिन ये खर्चा पैसे से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और भी चीज़ें इसमें। तो देखें परमात्मा कहते क्या है। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव, मतलब इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन, है ना? कि कम खर्चे में आपने मुनाफा कर दिया, फायदा कर दिया आपने। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल कम, जैसे कि बोल में आपके जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म में खर्च कम हो। अब आप सोचिए, अगर यही वरदान अगर 20-30 मिनट का हो, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इस वरदान में, लेकिन क्यों हम इसको 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट मैक्सिमम लेके जाते हैं? क्योंकि उससे ज्यादा नहीं। कम शब्द में, कम ही शब्दों में अगर एक ही चीज को बहुत ही क्लियरिटी से बोल दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो हम अगर अपने थॉट्स को भी एक करेंसी के जैसे ट्रीट करें, एक प्रकार का पैसा, धन ट्रीट करें, तो संकल्प भी आज धन है। आज लोगों को लॉस हो रहा है, कोई डिप्रेशन के लॉस में जा रहे हैं सोचते सोचते, कोई अच्छे इंप्रेशन के लॉस प्रॉफिट में जा रहे हैं सोचते सोचते। तो दोनों साइड हो गए, प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, लेकिन हो रहा किससे? संकल्प से होता है। तो संकल्प एक धन है जिसको कि आप प्रॉफिट में ला सकते हैं या लॉस में ला सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचें, जैसे कि आज इंसान, एक कॉमन इंसान आज 60,000, 70,000 थॉट्स भी सोच सकता है। डिप्रेशन वाला तो उससे ज्यादा भी ज्यादा थॉट्स सोच सकता है, संकल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करने वाले हैं और आस्ते आस्ते अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने मुख मोड़ लिया है, तो आपके संकल्प 70,000 से 60, 50, 40, 30, 10,000, अल्फा स्टेज। बीटा स्टेज होगी बहुत ज्यादा, 70,000, 60,000, 40,000 थॉट्स करना। अगर आप उससे नीचे आ गए, अल्फा स्टेज, बीटा प्लस स्टेज भी होती है, कंप्लीट डिप्रेशन, 70-80,000 थॉट्स इन अ डे, संकल्प चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई ब्रेक ही नहीं है। लेकिन आप मेडिटेशन करते करते आपने बीटा स्टेज से अल्फा स्टेज, अल्फा स्टेज से फिर आप थीटा स्टेज में आके 5,000, 6,000 थॉट्स, 4,000 थॉट्स, फिर आपके 1,000 थॉट्स पूरे दिन भर, जो कि गामा स्टेज में होते हैं, 1,000 थॉट्स से भी कम हो जाते हैं कभी कभी, आप उतने ही थॉट्स सोच रहे हैं सिर्फ। तो डीप मेडिटेशन में रहना वो स्टेज है जिसमें बहुत लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ब्रह्म कुमारी में भी हम यही चीज सीखते हैं, जितने आपके थॉट्स प्योर होते जाएंगे, जितने आपके अंदर लस्टफुल थॉट्स, ग्रीड के थॉट्स, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के थॉट्स कम होते जाएंगे, उतने आपके अंदर शांति आती जाएगी। और आप कोई भी कार्य करते समय कम संकल्पों से ही पूरा सिद्धि प्राप्त कर लेंगे उस कार्य में। तो परमात्मा देखें आगे कहते क्या हैं। कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। आप इमेजिन करिए, आपका बॉस हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो, वो कभी घृणा की बात कर रहे हैं, कभी आजू बाजू वालों की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, कभी किसी से जलसी हो रही है उनको, उसकी बातें निकाल रहे हैं और मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? शक्तिशाली संकल्प नहीं बोलेंगे, राइट? तो परमात्मा कहते हैं शक्तिशाली संकल्प करने हैं तो मेडिटेशन करना सीखो, अपने मन को साफ करो, तब जाके आप कोई भी कार्य ठीक से कर पाओगे। शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन, जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं
उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। अगर अपने थॉट्स भी आप कम यूज करते हो तो आपकी एज बढ़ जाती है, आपकी खुशियां बढ़ जाती हैं, आपका सुख बढ़ जाता है, चैन बढ़ जाता है, और वहीं पर आप घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या के संकल्प करते जाओ करते जाओ। मजा तो आएगा, नशा तो चढ़ेगा ऊपर कि हाँ देखा मैंने बता दिया ना उसके अंदर कितनी कमियां हैं। नशा चढ़ेगा लेकिन आपकी उम्र कम होती जाएगी, बीमारियां आएंगी, संकल्प ज्यादा चलेंगे, शांति कम हो जाएगी, बीमारियां आएंगी। तो चॉइस आपके हाथ में है। और डिटेल्स के लिए सैटरडे का 5 से 6:30 का सेशन अटेंड करें, नहीं तो ब्रह्म कुमारी सेंटर जाकर के आप 7 डिस्कोर्स करें। इसी के साथ ओम शांति।